पहले तो हम लोग हर एक चैप्टर का जो कंसेप्ट है उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, और एक बार कंसेप्ट अगर पकड़ लेते हो तो आप क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो कंसेप्ट देख लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। स्क्रीन शो हो रही है क्या? एक जना अनम्यूट होकर बोल दे, स्क्रीन शो हो रही है क्या? सबसे पहले मैट्रिक्स के डेफिनेशन की बात करते हैं। तो मैट्रिक्स के डेफिनेशन की बात मैं करूं तो क्या होता है मैट्रिक्स? मैट्रिक्स बेसिकली जब इस तरह होता था, कुछ क्वेश्चंस आते थे, जैसे ये इक्वेशन है 2x + 3y + 4z = 2। इसी तरह की अगली इक्वेशन आ गई 4x + 2y + 6z = 6। तो ये जो दो इक्वेशंस है, और एक और इक्वेशन आ गई, मान लिया 4x + 6y - 4z, ये कुछ भी लिख रहा हूं है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूं। अब ये तीन इक्वेशन है, अब ये तीन इक्वेशन को सोल्व करके मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स वाई और जेड की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो अगर आप सोल्व करने जाओगे इन तीनों को तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसी लेंदी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए किसका इन्वेंशन हुआ? मैट्रिक्स का इन्वेंशन हुआ, और मैट्रिक्स के हेल्प से ये लेंदी प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। तो इसी को अगर मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में किस तरह लिखूंगा मैं? देखो, ये बनाइए एक मैट्रिक्स, और ये ली मैंने इक्वेशन। यहां से इसके कोफिशियंट ले लो, एक्स के साथ क्या आ रहा है, वाई के साथ क्या आ रहा है, जेड के साथ क्या आ रहा है, उसको ले लो। तो 2, 3, 4, 4, 2, 6, 4, 6 - 4, और यहाँ पे इक्वल वाले ले लो 2, 6, 8, और इनके को वेरिएबल क्या है? एक्स वाई जेड। तो ये वाला जो फॉर्मेट है, ये जो है, इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स बेसिकली क्या है? ये क्या है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, या एरे ऑफ एलिमेंट्स है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, या एरे ऑफ एलिमेंट्स है। इसमें क्या होता है? रोज होती है और कॉलम्स होते हैं। तो समझना इंपॉर्टेंट है, रो किन को बोलते हैं और कॉलम्स किन को बोलते हैं। तो ये जो दिख रहा है, इसको एक बार डिलीट मार देता हूं, यहां से ये हटा देते हैं मैं। ये जो दिख रहा है, ये जो कहलाती है, ये जो सोई हुई लाइनें हैं, ये सोई हुई लाइनें, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इसको क्या बोलेंगे हम? रोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रोज। और ये जो खड़ी लाइन है, ये और ये, इसको क्या बोलेंगे हम? कॉलम। तो मैट्रिक्स में क्या होता है? मैट्रिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम, कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन है। अब अगर इसमें आप देखोगे तो कितने कॉलम और कितने रो है, तो इसमें तीन रो दिख रही है, 1, 2 और 3। तो तीन रो है, और कॉलम कितने दिख रहे हैं? 1, 2, 3। तो तीन ही कॉलम है। कितने हैं रो है, कितनी कॉलम है? 3 रो और 3 कॉलम है। अब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, उसको हम लिखते हैं AIJ से। कैसे लिखते हैं? AIJ से। तो ए यहां पर क्या बताता है? ए मैट्रिक्स का नाम है। आई क्या बताएगा? नंबर ऑफ रोज। क्या बताएगा? नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज है इसमें। और जे क्या बताएगा इसमें? नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऊपर वाली जो मैट्रिक्स है हमारी, वो इसमें कितनी रो थी? 3 रो और 3 कॉलम थे। तो इसको कैसे लिखूंगा? A3:3, 3 रो और 3 कॉलम। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A3:3। तो ये किसकी मैट्रिक्स है? 3x3 की मैट्रिक्स है। किसकी मैट्रिक्स है? 3x3 की मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? AIJ से करते हैं, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है मैट्रिक्स को, AIJ से। आई थिंक ये क्लियर होगा। ऑर्डर आप लोगों को पता चल गया, ऑर्डर फाइंड करना हो मैट्रिक्स का तो क्या करेंगे हम लोग? उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को गिन लेंगे, तो उससे क्या मिल जाएगा हमको? ऑर्डर मिल जाएगा। तो ऊपर वाली क्या था? 3:3 का ऑर्डर था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को, देखो इसको। ये बहुत आसान लगेगा अगर आप लोगों ने क्लास अटेंड की है मैट्रिक्स की। तो ये 4, 2, 6, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 0, 1। अब मैं आप लोगों से पूछूं, इसका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का? ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे, तो इसका ऑर्डर क्या है? तो कौन बताएगा मुझे? एक जना कोई भी बता दो ऑर्डर क्या है इसका। बिल्कुल सही है, सही है। ठीक है, 3:4 होगा। तो ये क्या हो गया? इसका ऑर्डर हो गया। ये देख लिया हम लोगों ने, ऑर्डर देख लिया। अब वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं हम। वेरियस टाइप्स ऑफ
मैट्रिक्स। तो वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की अगर आप बात करने जाओगे तो सबसे पहली होती है उसमें रो मैट्रिक्स। आप लोगों को आइडिया है रो मैट्रिक्स क्या होता है? देखो रो मैट्रिक्स क्या होगा, एक ऐसी मैट्रिक्स ए जिसमें केवल रो हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, रो सिंगल होगी, एक ही रो होगी, जैसे 1, 4, 7। ये क्या है, इसका ऑर्डर क्या हुआ, 1:3। तो इसमें रो कितनी है, एक, कॉलम कितने हैं, 3। तो रो अगर एक है तो ये क्या कहलाएगी, रो मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रो मैट्रिक्स कहलाएगी। आई थिंक अब क्लियर होगा। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो वो क्या कहलाएगी, रो मैट्रिक्स कहलाएगी। अब इसी तरह आप लोग मुझे ये भी बता सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम हो, रो कितनी भी हो सकती है, 1, 2, 4। तो इसमें कॉलम कितना है, एक, और रो कितनी है, 3। तो इसका ऑर्डर क्या है, 3:1। तो ये 1 है मतलब ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। ये 1 है, रो 1 है तो मतलब क्या है, रो मैट्रिक्स है। क्लियर। अब इसी तरह मैं आगे पूछूं आप लोगों से तो नल मैट्रिक्स क्या होगी। नल मैट्रिक्स क्या होगी, एसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट, सभी एलिमेंट क्या हो, 0 हो। अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे तो क्या कहलाएगी, नल मैट्रिक्स कहलाएगी। स्क्वायर मैट्रिक्स, एसी मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी हो, बट रो और कॉलम इक्वल हो। क्या होगा, रो और कॉलम दोनों के एलिमेंट्स इक्वल होंगे, दोनों का ऑर्डर इक्वल होगा तो क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। क्लियर। फिर आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, एक एसी मैट्रिक्स, डायगोनल का मतलब जानते हो, विकर्ण, जिसके जो डायगोनल के एलिमेंट है वो नॉन जीरो हो, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो। डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो हो, ऑल अदर एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तो क्या कहलाएगी, वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। फिर आती है बारी यूनिट मैट्रिक्स की। तो यूनिट मैट्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जगह क्वेश्चंस में काम आती है, तो इसको अच्छे से आप लोग समझ लेना है ना, इंपॉर्टेंट है। लिखने का काम PDF में दे दूंगा, इसके अलावा YouTube पर वीडियो भी आ जाएगा तो वहां से भी देख सकते हो, और अच्छे से केवल अभी समझो, और समझ में नहीं आ रहा तो मेरे से पूछो। यूनिट मैट्रिक्स क्या होगी, एसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तो क्या कहलाएगी, यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी। इसको क्या बोलेंगे, I3, 3:3 की यूनिट मैट्रिक्स है ये, 3:3 की यूनिट मैट्रिक्स है। क्या क्या डेफिनेशन है इसकी, कि डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, बाकी सारे 0 होंगे तो क्या कहलाएगी, वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी। फिर बात आती है इक्वल मैट्रिक्स की। इक्वल मैट्रिक्स क्या है, दो मैट्रिक्स 1, 2, 3, 4 और एक मैट्रिक्स ये जो हो गई ए है, ये जो हो गई 1, 2, 3, 4, ये मैट्रिक्स है बी। अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट बराबर हो तो क्या कहलाती है, इक्वल मैट्रिक्स कहलाती है। तो ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी। क्लियर। फिर आती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर को यहां समझो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर में दो हो सकती है, एक अपर ट्रायंगुलर, एक लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर देखो 1, 1, 0, 1, 2, 3, 0, 0, 0। तो देखो इसमें क्या होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर यहां पे भी 1 आएगा, 1 या 3 कोई भी एलिमेंट आ सकता है, 4 ले लो। ये जो डायगोनल दिख रहा है, इस डायगोनल के ऊपर नॉन जीरो होगा, ये अपर डायगोनल हो जाएगा, और डायगोनल के नीचे जो होगा ये वाले, ये सारे 0 एलिमेंट होंगे, ये कहलाती है लोअर अपर डायगोनल मैट्रिक्स। इसी तरह लोअर डायगोनल देखना, 1, 2, 4, 2, 4, 3, 0, 0, 0।
डायगनल के ऊपर वाले सारे जीरो हो जाएंगे और नीचे वाले नॉन जीरो हो जाएंगे, ये हो जाएगी लोअर डायगनल। क्या हो जाएगी? लोअर डायगनल मैट्रिक्स। ये है अपर डायगनल मैट्रिक्स, ये है लोअर डायगनल मैट्रिक्स। आई थिंक सारे मैट्रिक्स के टाइप्स आप लोगों को इसकी क्लियर हुए होंगे। फिर आते ही बात ऑपरेशन ओवर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैट्रिक्स पे एडिशन, सब्स्ट्रक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये देखेंगे हम लोग। सबसे पहली बात हम जो करेंगे वो करेंगे एडिशन की। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, हिंदी में देखे तो। दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे कैसे, इसकी बात कर रहे हैं हम, है ना। तो दो मैट्रिक्स में बता देता हूं, एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। अच्छा सा ए एक मैट्रिक्स ली 1 2 3 4, बी एक मैट्रिक्स ली 5 6 7 5 2। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा, उसने ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, बहुत आसान क्वेश्चन, कई बच्चों को ये भी नहीं आता है, ए प्लस बी क्या होगा, तो सिंपल है। क्या करना है आप लोगों को, सेम एलिमेंट वाला, सेम पोजीशन वाला, सेम एलिमेंट से जुड़ेगा। अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करूं तो ये क्या है, ए वन वन होगा, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है। इसकी पोजीशन क्या होगी, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम। समझ में आया, मतलब ये तो फर्स्ट रो है और कॉलम सेकंड है, ऐसे ही लिखते हैं ना मैट्रिक्स को। ये क्या हो जाएगा, इसी तरह सेकंड रो का फर्स्ट, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, ये क्या हो जाएगा सेकंड रो का सेकंड कॉलम। इसी तरह इसके भी सारे एलिमेंट हो जाएंगे, ये ए वन वन हो जाएगा, ए वन टू हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब इनको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या होगा कि सेम पोजीशन वाला सेम से जुड़ेगा, ये वाला इसी के साथ जुड़ेगा, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, एक और छह कितना हो जाएगा 7, दो और 7 कितना हो जाएगा 9, ये वाला इससे जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 5 और 3 8, ये वाला यहां जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इतना आसान है, इतना आसान भी कई बच्चे कर नहीं पाते हैं, मुझे अब ये तो यकीन है कि आप लोग कर पाओगे, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप लोग कर लोगे। क्या याद रखना है कि सेम पोजिशन वाला सेम पोजिशन वाले एलिमेंट के साथ एड हो जाएगा, इसके अलावा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। बहुत ईजी है मैथमेटिक्स आप लोगों की, बहुत ईजी है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, तो भी बच्चे के बेक लग जाती है, ये समझ में नहीं आता मेरे को। चलो अब मैं क्या करूं, इन्हीं मैट्रिक्स को लेता हूं और इन्हीं को क्या करना है, हमें घटाना है। ये ए मैट्रिक्स थी और ये वाली मेरी बी मैट्रिक्स है, थोड़ा सा गड़बड़ आया है लेकिन ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ए माइनस बी करना है, ए माइनस बी करना था, ए में से बी को घटाना है, ए में से बी को घटाना है। तो क्या करोगे आप लोग, देखो ए मैट्रिक्स एज इट इज लिख लो 1 2 3 4, माइनस बी कर दो 6 7 5 2। अब एक तो तरीका यह है डायरेक्ट कर लो, दूसरा तरीका यह है कि गलती ना हो इसके लिए क्या किया जाए, 1 माइनस 6, इसको इसके साथ लिख रहा हूं, 2 माइनस 7, 3 माइनस 5, 4 माइनस 2। क्लियर है यहां तक, कुछ नहीं किया मैंने, इस दोनों मैट्रिक्स को मिला के एक साथ लिख दिया, एक में से 6 जाएगा, 2 में से 7 जाएगा, 3 में से 5 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा। तो अब ये जब सोल्व करोगे तो आप क्या बन जाएगा इसका, 1 में से 6 जाता है तो क्या बनेगा, यहां -5 आएगा, यहां 2 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 2, तो यहां पर भी माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का 5 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, माइनस का 2 बच जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर प्लस माइनस की गलती करते हैं, मैं बता देता हूँ, वो मिस्टेक हमें नहीं करनी है। क्या होता है कि जैसे 3 प्लस 5 है, -3 प्लस 5 है, 3 माइनस 5 है, -3 माइनस 5 है। अगर मैं आप लोगों से इसके आंसर पूछूं तो अगर यहाँ मिस्टेक नहीं करोगे तो जीवन में मिस्टेक नहीं होगी। ये तो कितना हो जाएगा, दोनों प्लस के तो 8 हो जाएगा। ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और प्लस की संख्या बढ़ी है तो साइन प्लस का आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा।
ये दोनों माइनस के हैं तो एड हो जाएंगे और साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो ये छोटी चीजें ध्यान रखना कि प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। सेम साइन होगा तो प्लस हो जाएगा, अपोजिट साइन होंगे तो हमेशा माइनस होगा, और जो संख्या बड़ी होगी उसका साइन जाएगा यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैंने देखा है पिछले 8-12 साल में कई बच्चों को ये आता ही नहीं है। तो इस कंसेप्ट को आप लोग अच्छे से देख लो, क्योंकि ये अगर गलत करोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता जीवन में। तो मुझे लगता है कि ये सब समझ में आ गया होगा अभी तक का। अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन सीख जाते हैं हम लोग तो आधी मैट्रिक्स आपकी खत्म हो चुकी है, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप पूरी मैट्रिक्स सोल्व कर लोगे। मल्टीप्लिकेशन ध्यान से देखना, बहुत आसान है, लेकिन अगर यहां गलती कर दी तो फिर मैट्रिक्स कभी भी नहीं होगी और मैट्रिक्स एग्जाम में पास कराती है। चलो दो मैट्रिक्स लेता हूं, एक मैट्रिक्स ए ली मैंने, 1, 2, 3, 2। एक मैट्रिक्स बी ली मैंने, 6, 3, 4, 1। ए भी 2:2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2:2 की मैट्रिक्स है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो मल्टीप्लिकेशन को हम क्या लिखते हैं, ए बी से लिखते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है, वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान से देखना इसको ना, ये इंपॉर्टेंट कुछ बता रहा हूं मैं। अगर एक मैट्रिक्स ए एम क्रॉस एन की है और दूसरी मैट्रिक्स बी एन क्रॉस एम की है, ठीक है, सुनना ध्यान से है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी मैट्रिक्स का ये क्या बताता है, रो, ये क्या बताता है, कॉलम, ये क्या बताएगा, रो, ये क्या बताएगा, कॉलम। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। मतलब इसको समझो, अगर एक मैट्रिक्स ऐसे दे रखी है 2:3 की, एक बी मैट्रिक्स दे रखी है 3:5 की, तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर है। अगर ये बराबर नहीं होता तो हम लोग यहाँ थे कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होगा तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल लिया, 1:2:4 की है और एक मैट्रिक्स क्या है 6:2:2 की है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि दो मैट्रिक्स कभी मल्टीप्लाई के लिए दे रखी है तो ये वाला पोर्शन और इस वाले का ये वाला पोर्शन दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा मल्टीप्लिकेशन। और जो नई मैट्रिक्स बनती है वो हमेशा क्या बनती है, ए बी जो बनेगी वो इसकी और इसकी बनेगी। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है एम क्रॉस एम, इसकी बनेगी हमेशा नई मैट्रिक्स। तो इसमें जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, ए बी, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये 2:5 के बनेगी। इसमें जो नई मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो क्या बनती, 2:2 की बनती। तो ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है और जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो कितने बाय कितने की बनेगी। आई थिंक ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। अब आता है जो क्वेश्चन लिया था, मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है, तो इसको मैं उठाता हूं, ये इसको यहां लेके आया और इसको भी ले लेते हैं, इसको यहां लेकर आया। चलो अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो नई मैट्रिक्स जो बनेगी वो बनेगी इस तरह से, ए बी क्या बनेगी, देखो इसकी रो इसकी कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, ये 1:6। इसमें रो में चलेंगे, इसमें फर्स्ट वाली में ऐसे चलेंगे और सेकंड वाली में ऐसे चलेंगे, ये ध्यान रखना अपन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट इस फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देख रहा है अभी, तो 1:6 लिखूंगा मैं यहाँ पर, फिर प्लस लिखूंगा। अब फर्स्ट इसका सेकंड एलिमेंट इसी के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2:4 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट रो को
सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाले में ऐसे चलेंगे, सेकंड वाले पहले फर्स्ट कॉलम पे चले फिर सेकंड कॉलम पर आएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्या लिखूंगा, 1:3 लिखूंगा प्लस 2:1 लिखूंगा सेकंड कॉलम सेकंड एलिमेंट से। फिर इसी तरह यहां पर आओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3:6 फिर 2:4, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 3:3 2:1 क्या बनेगी, देखो 1:6 क्या हो जाएगा 6 प्लस 2:4 क्या हो जाएगा 8, यह क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 यह क्या हो जाएगा 18 प्लस 8 यह क्या हो जाएगा 9 प्लस 2। ये समझ में आ गया होगा। देखो क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, तो 1 को 6 से 2 को 4 से, फिर पहली रो सेकंड कॉलम, तो 1 को 3 से 2 को 1 से, ये लिख दिया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इधर रो में चलना है इधर कॉलम में चलना है, सेकंड रो 3:6 2:4 3:3 2:1 सेकंड कॉलम, तो इस तरह हो। फिर इनका सोल्व तो आप कर ही लोगे। ये ध्यान रखना है कि इधर ऐसे चलना है फिर ऐसे उतरना है, ऐसे चलना है ऐसे उतरना है, ऐसे चलना है ऐसे उतरना है, ये ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, तो ए बी जो आएगी क्या आएगी, 6 और 8 कितना होता है 14, 3 और 2 5, 18 और 8 26, 9 और 2 11, ये आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये मल्टीप्लिकेशन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, उसको मल्टीप्लाई करके बताना मेरे को, अभी कोशिश करो। ए जो दे रखी है आपको, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पे ही सारी आपकी मैट्रिक्स है, अगर ये आ जाएगा ना तो बहुत आसानी से तुम लोग मल्टीप्लाई कर पाओगे। चलो इसको मल्टीप्लाई करके ए बी बताओ मुझे, 2-5 मिनट का समय देता हूं। कैसे करना है वापस बता देता हूं, ये रो इस कॉलम से, फिर इसी रो को इस कॉलम से, फिर सेकंड रो को इस कॉलम से, फिर इसी रो को इस कॉलम से, इस तरह लिखते चलना है। थोड़ा सा शुरुआत में नया है इसलिए ऐसा लगता है, बट आसान है, करो कोशिश करो, देखो हो जाएगा। चलो जो किया वो मेरे से चेक कर लो अब। ये 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1:2, ये प्लस 2:6, फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो क्या हो जाएगा, ये इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा 1:3 प्लस 2:2। इसी तरह नीचे आओ, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2:2 प्लस 1:6, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 2:3 प्लस 1:2, ऐसा ही आया है। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 2:1 2, 6:2 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 3 एकम 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। तो ये आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का। तो आसान क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, और सब्जेक्टिव में बड़े क्वेश्चंस में तो ये बहुत काम आता ही आता है, उनको तो ऐसे ही सोल्व करते हैं वहां पर। तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन तो काम आएगा ही आएगा। अब एक और क्वेश्चन बन जाता है, तो मतलब है आसान लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं, चक्कर ये पड़ता है कंफ्यूज हो जाते हैं। ये है ए बराबर आपको दे दिया 1, 3, 4, 5, और आपसे वो पूछ लेगा 5A क्या होगा। तो 5A का मतलब क्या हुआ, जितने भी A के एलिमेंट है उसको 5 से गुणा कर लेना है, A दे देगा और 5A पूछ लेगा। तो क्या करना है, तो ये इतना ये हो जाएगा 5, ये 5 दिया 15, 5 चौक 20, ये 5 चौक 5 25, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो है आसान लेकिन हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन विथ मैट्रिक्स, स्केलर
मल्टीप्लीकेशन विथ मैट्रिक्स, इसको ये कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये देखते हैं, देखो दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये हो रहा है कि एक मैट्रिक्स हमें दे रखी है ए अल्फा, क्या दे रखा है, ए अल्फा एक मैट्रिक्स दे रखी है, ये वाली, क्या दे रखा है, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो हमें प्रूव ये करना है ना, ये प्रूव करना है, कि प्रूव करने में हमें हमेशा ध्यान रखना होता है, ये वाला पोर्शन कहलाता है एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला पोर्शन कहलाता है आर एच एस राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले एल एच एस को सोल्व करो, और सोल्व करने के बाद अगर आर एच एस के बराबर आ जाता है तो हमारा सॉल्यूशन सही है, इस तरह से करते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको इस तरह भी दे सकता है, पहले ए अल्फा को बीटा से कराया, फिर ए बीटा को ए अल्फा से कराएंगे तो भी सेम आना चाहिए। तो देख लेते हैं, आसानी से, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा रखा है इसीलिए हमें डर लगता है, बस और कुछ नहीं है। तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है, चलो अब सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो सॉल्यूशन है हमसे ये मांग रहा है ए अल्फा इंटू ए बीटा करने पर क्या हो जाएगा, ए अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए, ये हमसे पूछ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले आप लोगों को इसके सोल्व करने के आने चाहिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़े थे, अगर वो नहीं आता है तो समस्या हो सकती है, वैसे मैं यहाँ पर याद दिला दूंगा। तो ए अल्फा तो मुझे दिया है, वो है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये दे रखा है। ए बीटा कहीं क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, ध्यान से देखना, ए बीटा नहीं दे रखा है, तो ए अल्फा दे रखा है, तो क्या मैं ए बीटा बना सकता हूँ, क्या बना देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, ए बीटा कोस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कोस बीटा, कैसे बना दिया मैंने, यहाँ अल्फा था तो यहाँ पर भी सब जगह अल्फा था, यहाँ बीटा हो गया, ये देखो यहाँ बीटा हो गया तो यहाँ पर भी सब जगह बीटा हो गया, सिंपल है, तो ए बीटा भी बन गया। अब मैं बात करता हूं एल एच एस की, ध्यान से देखना, एल एच एस क्या कह रहा है कि आप एक काम करो, ए अल्फा और ए बीटा को मल्टीप्लाई करा दो, क्या करा दो, ए अल्फा और ए बीटा को मल्टीप्लाई करा दो, यही कह रहा है एल एच एस मेरा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं हम लोग, तो मल्टीप्लाई कराना अभी सिखाया मैंने, है ना, जो लेट आया है वो पूरा वीडियो देख लेगा, मैं इस डालने की कोशिश करूँ, कहीं सोशल साइट पे डाल दूंगा इसको, वहां से देख लेगा। ये हो गया आपका ए अल्फा, इसको मल्टीप्लाई कराना ए बीटा से, कोस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कोस बीटा, ठीक है, चले मल्टीप्लाई कराना है। तो क्या बताया था मैंने मल्टीप्लाई कराने के लिए, पहले की रो लेते हैं, दूसरे की कॉलम लेते हैं, तो लिखते हैं, चलो यहाँ पर कोस अल्फा को कोस बीटा से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो कोस स्क्वायर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों का एंगल अलग है, हम गलती ये करेंगे, स्क्वायर लिख देंगे, स्क्वायर नहीं होगा, दोनों का एंगल अलग है, तो क्या हो जाएगा, कोस अल्फा कोस बीटा हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से करा रहा हूँ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करा रहा हूँ, तो ये वाला एलिमेंट इससे हो गया, तो इधर आगे बढ़ेंगे और इधर नीचे उतरेंगे, तो इधर आगे बढ़े तो ये आया, इधर नीचे उतरे तो ये दिखा, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ डायरेक्ट माइनस लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा, ये साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, ये समझ में आया। देखो क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराया, इसमें ऐसे चला तो कोस अल्फा दिखा, यहाँ पे ऐसे चला कोस बीटा दिखा, मल्टीप्लाई करा दिया, थोड़ा और आगे बढ़ा तो साइन अल्फा दिखा, थोड़ा और नीचे उतरा तो साइन बीटा दिखा, तो मल्टीप्लाई करा दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है, तो देखो बताओ मेरे को क्या हो जाएगा, कोस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कोस बीटा, यहां तक तो कोई समस्या मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को रही होगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम भी हो गया, अब सेकंड रो सेलेक्ट करो तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा कोस बीटा से, तो माइनस साइन अल्फा कोस बीटा, ये कोस बीटा, फिर प्लस ये वाला एलिमेंट इस वाले से, कोस अल्फा माइनस साइन
बीटा। फिर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करा दिया, देखो इसको इससे करा दिया, इसमें आगे बढ़ा तो ये दिखा, इसमें नीचे उतरा तो ये दिखा, ये करा दिया। अब इसको इससे करा रहा हूं तो माइनस साइन अल्फा को साइन बीटा से, प्लस कोस अल्फा को कोस बीटा से। इसमें ऐसे आगे बढ़ा, इसमें ऐसे नीचे उतरा। यहां तक समझ में आया क्या? ये फॉर्मूला है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या होता है, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का, कोस ए प्लस बी का। ये भी फॉर्मूला है, ये होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। इन दोनों में देखो तो यहां पर भी माइनस आ रहा है, ये वाला माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा तो यहां पर भी माइनस हो जाएगा। तो माइनस दोनों में अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला बचेगा, देखना है ना, अभी बताऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी। ये क्या हो रहा है देखो, ये हो रहा है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये वाला फॉर्मूला यही बन रहा है। तो ये दो फॉर्मूले काम आ रहे हैं अपने पास, देखो इनको इन फॉर्मूले के हिसाब से अरेंज करता हूँ। तो अरेंजमेंट करने के लिए इनको थोड़ा सा पकड़ के ले आते हैं नीचे। अब इसको अरेंज करना था ऊपर जो फॉर्मूला बताए थे उस हिसाब से। तो ये तो फॉर्मूला दिख रहा है मेरे को कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये कोस अल्फा प्लस बीटा, ए और बी की जगह क्या है अल्फा बीटा, तो कोस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ये क्या दिख रहा है मेरे को, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। देखो साइन ए की जगह अल्फा है और बी की जगह बीटा है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये क्या दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है मेरे को। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी। तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, साइन अल्फा प्लस बीटा। यहां देखो, यहां थोड़ी सी ट्रिक है, यहां पे क्या दिख रहा है, माइनस साइन ए कोस बी, ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस कोस ए साइन बी। यहां पर क्या हो जाएगा, इस वाले प्लस वाले को पहले लिख लो, माइनस वाले को बाद में लिख दो। तो कोस कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसको देखोगे तो क्या लिख सकते हो आप, ये कोस अल्फा प्लस बीटा है ही है, ये क्या है साइन अल्फा प्लस बीटा है ही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों माइनस कॉमन आ जाएगा तो माइनस बाहर रहेगा, और क्या बन जाएगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए, ये हो जाएगा कोस अल्फा प्लस बीटा। तो ऊपर वाले दो फॉर्मूले काम आ रहे हैं। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर ट्रिक है, कोस अल्फा था तो यहाँ सब जगह अल्फा था, ये बीटा हुआ तो सब जगह बीटा हो गया। तो अब देखो ये का यही लिखा हुआ है, एंगल क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, ए अल्फा प्लस बीटा। यही मेरा आरएचएस है, यही मेरे को लेकर आना था। देखो ऊपर ये मेरा एलएचएस था, इसको सोल्व किया तो अल्फा प्लस बीटा आरएचएस आ गया। ये देखो अल्फा प्लस बीटा आरएचएस आ गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करूंगा जो एग्जाम में आते हैं। तो ये क्वेश्चन एक था, तो इसके अलावा भी काफी कुछ है अभी मैट्रिक्स में। तो इन क्वेश्चंस को और इसके अलावा जो अभी तक पढ़ा है उसको अच्छे से अगर रिवाइज कर लोगे तो आगे वाले वीडियोस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसके अलावा मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये है, ये है, ये है, इसके अलावा ये पूरा होमवर्क है आप लोगों का। तो ये सारी चीजें मैं कल दूंगा आप लोगों को, बट उससे पहले क्या करोगे आप लोग, इन सबको अच्छे से रिवाइज कर लोगे।